हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे एक शॉर्टकट ट्रिक टू बाय हार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल ये टेबल आप यूज़ करते हो जो महाराष्ट्र बोर्ड में सिर्फ अभी नाइन्थ क्लास के लिए सिर्फ तीन दिया है साइन कॉस और टैन लेकिन टेंथ क्लास के लिए आ, आपको पूरा कोशिक तक आ, याद रखना है तो इस टेबल को हम मिनटों में किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के रफ पेपर में और या किस तरह आप याद कर सकते हो ये शॉर्टकट ट्रिक आप यहाँ पे देखने वाले हो तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है और अब यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पूरा साइन कॉस टेन कॉट सेक को सेक आपको ये याद रखना है कि अपना जो सीक्वेंस हमेशा से रहा है वही रहेगा साइन कॉस टेन उसके बाद कॉट फिर सेक और को क्योंकि टेक्स्ट बुक के जो टेबल है उसमें को को पहले रखा है फिर सेक को रखा फिर कॉट को लास्ट में रखा लेकिन आप यही सीक्वेंस से करें क्योंकि वैसे भी हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो भी लेसन सीखा है उसमें हमेशा यही सीक्वेंस फॉलो किया यही सिक्वेंस हमने फॉर्मूला पढ़ा है तो यहाँ पे सारे रेशियोज़ आ गए और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे जो एंगल्स होंगे वो आएंगे जीरो रहेंगे थर्टी रहेंगे फोर्टी फाइव डिग्री रहेंगे सिक्सटी रहेंगे और नाइन्टी रहेंगे अब देखिए यहाँ पे इस टेबल को पूरी तरह फिल करने के जो रूल हैं उसमें से अगर आपको ये नंबर ऑलरेडी आता है या आप अगर इतने नंबर को बाय हार्ट कर लेते हो जीरो हाफ वन अपॉइंट रूट टू रूट थ्री अपॉइन्ट टू और वन तो इन सभी को हम यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद ये पूरा नंबर आपको फास्ट में मिल जाएगा और अगर इनके साथ बाय हार्ट भी करते हो और बोर्ड एग्ज़ाम में अगर किसी वजह से आपने इसको आगे कर दिया इसको पहले कर दिया बोर्ड एग्जाम के फियर की वजह से नर्वस हो के तो आपका पूरा टेबल ही खराब हो जाएगा सत्यानाश हो जाएगा आपके टेबल का क्योंकि ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो ये सीक्वेंस बराबर होना चाहिए तो अगर आप ये बाय हार्ट करने के बाद भी आप श्योर नहीं हो कि नहीं हो सकता कि मैं गड़बड़ कर दूंगा तो वीडियो के लास्ट में आप इस नंबर को किस तरह मिस नहीं करोगे यही सीक्वेंस लाओगे उसका भी ट्रिक इस वीडियो के आखिर में एंड में है तो आप एंड वाला पार्ट देखना अगर आपको लगता है कि ये नंबर मुझसे मिस्टेक हो सकता है और जो इसको बाय हार्ट कर सकते हैं उसके लिए हम डायरेक्टली पहले ये शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको वही करना है जीरो हाफ वन अपॉन रूट टू रूट थ्री पॉइंट टू और वन यहाँ पर फिल करना है तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा फर्स्ट वाला सेकेंड वाला हाफ यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन रूट टू यहाँ पर आ जाएगा और रूट थ्री पॉइंट टू यहाँ पर आ जाएगा और वन यहाँ पर आ जाएगा तो अगर साइन थीटा के सभी एंगल्स uh, के वैल्यूज़ अगर आपको मिल चुके हैं या मिलता है या आपको आता है तो आपके सभी टेबल मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे इसमें सबसे पहला क्या करेंगे साइन uh, का कॉस के साथ रिवर्स रिलेशन है टेन का कॉट के साथ है सेक का कोसेक के साथ है इसका क्या मतलब है इसका जो लास्ट है वो इसका आप फर्स्ट कर दीजिए तो वन यहाँ पे आ जाएगा इसका जो सेकेंड लास्ट है वो इसका सेकेंड कर दीजिए तो रूट थ्री पॉइंट टू यहाँ पर आ जाएगा इसका जो थर्ड लास्ट है इसका थर्ड कर दीजिए वन अपॉन रूट टू यहाँ पर आ जाएगा इसका जो सेकेंड है इसको सेकेंड लास्ट बना दीजिए वन अपॉन टू यहाँ पर आ जाएगा इसका जो फर्स्ट है इसको लास्ट कर दिए जीरो यहाँ पर आ जाएगा इससे आपका थीटा और कॉस्ट थीटा का पूरा वैल्यू क्लियर हो गया अब आ रहा है टेन थीटा टेन थीटा के लिए आपको क्या करना है ये दोनों को छोड़ के पहले यहाँ से चलते हैं आपको जितने भी डिनोमीटर दिख रहे ऊपर के और नीचे के हाइड करना है जैसे इसका डिनोमीटर टू है हाइड कर दीजिए इसका डिनोमीटर टू है हाइड कर दीजिए तो क्या दिखाई दे रहा है आपको ऊपर वन दिख रहा है नीचे रूट थ्री तो वन अपॉन रूट थ्री आप यहाँ पर लिख दीजिए तो टेन थीटा का आपको थर्टी डिग्री मिल जाएगा उसी तरह इसका दोनों का जो डिनोमीटर आप हाइड करिए वन अपॉन वन वन अपॉन वन वन ही होता है ये आपको मिल गया फिर इसके दोनों डिनोमीटर को आप हाइड करिए रूट थ्री अपॉन वन रूट थ्री अपॉइन वन का मतलब रूट थ्री उसके बाद देखिए वन जीरो अपॉइन वन और वन अपॉन्ट ज़ीरो आपने देखा कि जीरो अपॉन वन अगर कहीं पे भी आपने पाया है तो आपने उसको ज़ीरो लिख दिया है तो इसका ज़ीरो आ जाएगा लेकिन वन अपॉन्ट ज़ीरो जो है वन अपॉन्ट ज़ीरो हमेशा आप समझिए कि वो डिफाइन नहीं हुआ है तो इसका वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड रहेगा तो वन अपॉइंट जीरो के प्लेस पर आप लिखोगे नॉट डिफाइंड और फिर से वो ये देखिए जिसे कॉस साइन का सब रिवर्स था उसी तरह टेन भी है तो इसका जो लास्ट रहेगा इसका फर्स्ट हो जाएगा इसका जो सेकेंड लास्ट रहेगा इसका सेकेंड हो जाएगा इसका जो थर्ड लास्ट रहेगा या थर्ड रहेगा इसका भी थर्ड रहेगा इसका जो सेकेंड रहेगा इसके लिए सेकेंड लास्ट हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री यहाँ पर आ जाएगा इसका जो फर्स्ट रहेगा वो इसका लास्ट हो जाएगा और जीरो यहाँ पर आ जाएगा तो देखिए आपको चार रिश्यूज़ मिल गए उसके बाद एक चीज़ आपको नॉट डिफाइंड का याद रखना है कि नॉट डिफाइंड जिकज होता है देखिए नॉट डिफेंस एग्जैक्ट होता है तो नॉट डिफेंस से आप रीड ऑफ हो जाइए इसके टेंशन से आप हट जाइए तो एक नॉट डिफेंड यहाँ पे आए तो एक यहाँ पे आएगा तो एक यहाँ आएगा तो और एक यहाँ पे आएगा इसका मतलब है कि यह यहाँ वाला एक यहाँ पे चला जाएगा नॉट डिफाइंड और एक यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड जितने भी थे वो आपका ख़त्म हो गया अब आपका ये दो वैल्यू आपका बचता है उसके लिए सेक के ऊपर आप, आप फोकस करिए कि सेक जो है वो कॉस का रिवर्स है रिवर्स नहीं रेसिप्रोकल है रेसिप्रोकल जैसे देखिए वन और इसके नीचे भी वन है तो वन अपॉन ऑन वन को उल्टा कर दिए तो वो भी वन अपॉन वन रहेगा और वन अपॉन वन वन रहेगा यहाँ पे रूट थ्री अपॉन टू है इसको उल्टा कर दिया टू अपॉन रूट थ्री तो ये हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री ये वन अपॉन रूट टू है रूट टू अपॉन वन करिए नीचे वन रहेगा तो छोड़ देना है आपको मालूम है पहले भी किया है तो वन अपॉन रूट टू रूट टू अपॉन वन तो रूट टू हो जाएगा वन अपॉन्ट टू टू अपॉन वन तो टू हो जाएगा और फिर वही चीज़ जैसे साइन के लिए कॉस्ट लिखा टेन के लिए कॉड को रिवर्स कर दिया तो सेक्स के लिए भी सेम है ये यह वाला यहाँ पे आएगा वो ऑलरेडी आ चुका है देखिए फिर सेकेंड लास्ट वाला सेकेंड बन जाएगा टू यहाँ पे आ जाएगा थर्ड वाला थर्ड ही रहेगा इसका भी रूट टू यहीं पे रहेगा सॉरी टू अपॉन्ट रूट थ्री यहाँ पर आ जाएगा टू अपॉइंट रूट थ्री यहाँ पर आ गया फर्स्ट वाला इसका लास्ट हो जाएगा वन यहाँ पे आ जाएगा तो इस तरह आपका पूरा टेबल कंप्लीट हो जाता है आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा चलिए इसके बाद ये जो नंबर में प्रॉब्लम जिनको जिनको आ रहा है उसका भी बहुत अच्छा तरीका है आपको याद रखने का चलिए वो देख लेते हैं तो आपको याद करना है ये सारे नंबर चलिए इसका ट्रिक क्या है सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा वो आप लेके फर्स्ट फाइव होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होल नंबर क्योंकि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव है लेकिन फर्स्ट फाइव होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है तो जीरो वन टू थ्री फोर हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव टोटल होता है जीरो से स्टार्ट हुआ इसके लिए फोर हुआ सेकेंड स्टेप क्या है ये जो लास्ट का फोर आप देख रहे हो इसी फोर से आप सबको डिवाइड कर दीजिए मतलब इसको भी फोर से डिवाइड कर दीजिए इसको भी फोर से डिवाइड कर दीजिए इसको भी फोर से डिवाइड करिए इसको भी फोर से डिवाइड करिए और इसको भी फोर से डिवाइड करिए इतना होने के बाद आपका जो स्टेप आता है वो सिंप्लीफाई होता है सिम्प्लीफाई क्या है कि जीरो अपॉन कोई भी नंबर आपको जीरो देता है वन अपॉन फोर अगर आप कैंसिल भी करना चाहोगे तो वन वन जा वन वन फोर जा फोर ही आएगा तो वो वन अपॉन फोर ही रहेगा लेकिन हाँ टू अपॉन फोर कैंसिल होता है देखिए टू वन जा टू और टू टू जो फोर तो वन अपॉन टू आता है तो यहाँ पे सिम्प्लीफाई करने के बाद आपको वन अपॉन टू मिलेगा थ्री अपॉन फोर कैंसिल होता ही नहीं है किसी भी टेबल में ये जाता नहीं है तो थ्री अपॉन फोर सेम रहेगा फोर अपॉन फोर कैंसिल होता है फोर वन जो फोर फोर वन जा फोर तो वन अपॉन वन वन ही मिलेगा तो ये आ जाएगा वन इसके बाद फाइनल स्टेप जो है आपका वो स्क्वायर रूट है आप स्क्वायर रूट को पहले समझ लीजिए कि देखिए ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है वन का स्क्वायर वन होता है और टू का स्क्वायर फोर होता है तो देखिए ज़ीरो का स्क्वायर जीरो है वन का स्क्वायर वन है टू का स्क्वायर फोर है ज़ीरो वन टू हमने लाइन से लिया है तो उल्टा अगर समझेंगे तो ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो है वन का स्क्वायर रूट वन है फोर का स्क्वायर रूट टू है अब फिर से समझिए जीरो का स्क्वायर रूट वन है सॉरी ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो है वन का स्क्वायर रूट वन है और वन के बाद डायरेक्टली फोर का स्क्वायर रूट टू है तो इसके बीच में जो टू और थ्री है वो कहाँ पे गए उनका स्क्वायर रूट किधर है तो उनका स्क्वायर रूट नहीं है जीरो का स्क्वायर रूट जीरो है वन का स्क्वायर रूट वन है फोर का स्क्वायर रूट टू है लेकिन टू और थ्री का स्क्वायर रूट नहीं है तो टू का स्क्वायर रूट रूट टू रहेगा और थ्री का स्क्वायर रूट रूट थ्री रहेगा ये आपको याद रखना है तो जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो जीरो का स्क्वायर रूट आपको जीरो लिखना है वन का स्क्वायर रूट वन ही लिखना है आपको फोर का स्क्वायर रूट आपको टू लिखना है फिर वन का स्क्वायर रूट वन लिखना है टू का स्क्वायर रूट नहीं था तो आपको लिखना पड़ेगा रूट टू थ्री का स्क्वायर रूट नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा रूट थ्री फोर का रूट वापस से टू है तो अपॉन टू रहेगा वन का स्क्वायर रूट आपको लिखना पड़ेगा वन अब ये नंबर को अगर आप देखोगे और इसको देखोगे तो वही चीज़ है ये ऑलरेडी पहले से ये आ, रूल है स्टूडेंट्स ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बोर्ड में जो अगर फेयर रहेगा डर की वजह से अगर आपने इधर उधर नंबर कर दिया तो इसके वजह से आपका वो आ, मिस्टेक नहीं होगा तो होप करता हूँ ये आपको आ, समझ में आया तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्रिक के साथ थैंक यू वेरी मच